पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नगर चिरमिरी के सबसे बड़े ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोग तपती धूप में ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में पहुंचे हुए थे, जहां सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस ईद के अवसर पर बच्चों ने भी काफी बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करी। 30 दिन तक रोजा रखने के बाद चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है, जिसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है कि आज चांद दिखेगा और कल ईद मनाई जाएगी। चांद के दिखते ही सभी मुस्लिम परिवार के लोग अपने अपने परिजनों और समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामना देते हैं और गले मिलते हैं और आपसी भाईचारा का एक मिसाल ईद के मौके पर दिया जाता है, ताकि सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई एवं मस्जिदों में भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया, जहां गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री होने के बावजूद भी लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने का जो जुनून था वे देखने के काबिल था। तपती धूप में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की। छत्तीसगढ़ के सभी छोटे बड़े नगरों में ईद की नमाज पढ़ी गई और सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हमने ईदगाह में नमाज अदा करने वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईद के अवसर पर हम सब मतभेद भुलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ईद की शुभकामना देते हैं और एक भाईचारा पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे देश में अमन चैन और शांति रहे। हमारे और हमारे लोगों के द्वारा हम सब देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जानिब से भी खासकर चिरमिरी नगर निगम के जितने वासी हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआएं करते हैं कि हमारा यह नगर निगम और तरक्की करे, हमारी सुविधाएं और तकरीबन 2,500 की तादाद में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने आते हैं और आज हम लोगों ने नहायत ही सुकून के साथ शरी शहादत